गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर द बुक इज फर्स्ट फ्लाइट एंड द चैप्टर नंबर इज 9. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैडम राइड्स द बस. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड दैट इज इट इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल 8-year-old गर्ल ना वल्ली, जिसका निकनेम वल्ली था, और कैसे एक्साइटेड थी लोगों को देखते हुए, आते जाते गली में देखते हुए. उसकी गली से एक बस जाती थी हर रोज़ हर घंटे बाद, तो वो सोचती थी ये बस में लोग हर बार बदले होते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हर बार जो है नए लोग जो है आते हैं, नए लोग जाते हैं. तो उसकी जो है दिन पर दिन उस बस में राइड करने की जो है वो डिज़ायर थी वो बढ़ती जा रही थी. और एक दिन अपनी मदर से चुपचाप छुपा कर, मदर उसकी सो रही थी दोपहर को, और वो चुपचाप जो है वो चली जाती है बस में. लोगों की बातें सुनकर उसने सारा पता लगा लिया था कि बस के टाइमिंग कैसे हैं, कैसे हम वापस आ सकते हैं, बस का किराया कितने कितना है आने का और जाने का कितना है. तो अपने सारी डिज़ायर्स को ख़त्म करके, उनकी रिजिस्ट करते हुए, कुछ बैलून्स वगैरह टॉयज वगैरह कुछ ना लेते हुए उसने पैसे जोड़े, और 60 पैसे उसने दोनों तरफ का किराया आने जाने का जोड़ा. और फिर अब वो बस में बैठी है, अब जा रही है, और बस में लोगों को जैसे देख रही है इधर से उधर, कितने अच्छे व्यूज़ जो था उसको दिखाई दे रहे थे, बहुत खुश हो रही थी. अचानक उनकी बस के आगे जो है एक गाय जो है वो भागती हुई आ रही है, और हॉर्न के साथ वो और ज़्यादा जंप करते हुए बस के आगे आती है. तो ये देख कर बल्ली बहुत खुश होती है. तो अब उसके आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 126. Somehow this was very funny to Wally. जैसे तैसे ये सब कुछ उस काउ को देखते हुए बन्नी वल्ली को बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था. She laughed until there were tears in her eyes. क्योंकि इतना हंसी उसकी आंखों में आंसू आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. तो कंडक्टर कहता है, ओ लेडी तुम कुछ ज़्यादा नहीं हंस रही हो. Better save some for tomorrow. अच्छा है कि कल के लिए भी कुछ हंसी बचा कर रखो. At last the cow moved off the road. और finally वो cow जो है वो इधर road से हट जाती है. And soon the bus came to a railroad crossing. तो एक railway line पर जो है वो crossing पर बस आती है. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. तो वो देखते हैं कि दूर से जो है चमकती हुई ट्रेन जो है वो सामने से आ रही है, और जैसे जैसे वो बस के पास आती जा रही है और बड़ी होती जा रही है. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और फिर क्रॉस कर जाती है बस को एक ज़बरदस्त धमाका इन द सेंस के गड़ाते हुए और बस को हिलाते हुए. Then the bus went on and passed the train station. और फिर बस जो है वो चलती है और उस ट्रेन स्टेशन को पार कर जाती है. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wide thoroughfare. और finally जो है वो एक busy shopping street में जो है बस रुकती है, टर्न लेती है, और फिर एक thoroughfare मतलब कि busy public road में जो है वो enter करती है. Such big, bright looking shops. बहुत बड़ी दुकानें थी और चमकदार थी. What glittering displays of clothes and other merchandises. Such big crowds. तो देख रही थी कि कैसे इनकी चमकते हुए दुकानें हैं और उनमें चमकते हुए कपड़े हैं, और दूसरी भी दुकानें जो थी सजी सजी थी. कितना ज़्यादा क्राउड था, कितनी ज़्यादा चीज़ें सेल करने के लिए रखी थी. स्ट्रक डम्ब विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग. तो हैरानी के साथ इनकी वो चुप थी, सुन थी, और सब कुछ ध्यान से देख रही थी. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. तो बस रुक जाती है और फिर हर कोई जो है बस में से उतर जाता है, बस वल्ली रह जाती है. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर डिडंट यू रेडी टू गेट ऑफ. तो कंडक्टर कहता है, लेडी तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो. दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. कहते यहीं तक तुम्हारे 30 पैसे जो हैं तुम्हें लेकर जाएंगे, इससे आगे नहीं हम जाएंगे. नो वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. तो वल्ली कहती नहीं, मैं इसी बस में दोबारा वापस जा रही हूँ. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. तो वैसे फिर 30 paise निकालती है और फिर कंडक्टर को दे देती है. Why? Is something the matter? तो कंडक्टर पूछता है, क्या हुआ, कुछ बात है? No, nothing's the matter. तो कहती नहीं कोई बात नहीं है.
आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. तो कहती बस मुझे बस में सवारी करनी थी और कुछ नहीं है. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर? तो कहते तुम बाहर निकल कर देखना नहीं चाहोगी इधर उधर जब तुम यहाँ पहुँच ही गई हो? ऑल बाई माई सेल्फ. ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड. कहते मैं अपने आप देखूँगी? कहते मुझे डर लगता है. ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस. तो अब देख रहा है वो लड़की कैसे बोल रही है, अब हैरान हो गया कंडक्टर. कहते लेकिन तुम ये अकेले बस में आने का डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. कहते बस में अकेले आने का क्या डर है, कुछ भी नहीं है ऐसा. वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? तो कहते उस सामने स्टॉल में चली जाओ, कुछ पी लो वहाँ पर जाके. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर. कहते वहाँ जाने से कोई नुकसान नहीं है, डर नहीं है. ओ नो आई कुडंट डू दैट. कहते नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. तो कहते चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट. तो कहते नहीं मेरे जो है मैं जो हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पीऊँ कुछ भी, तो बस तुम जो है टिकट दे दो मेरी. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग. कहते ये मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी है, मैं तुम्हें इससे पैसे नहीं लूँगा. नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो. तो बहुत ज़्यादा फर्म होकर, बहुत ज़्यादा दृढ़ होकर ना वो बोल रही थी. कहती नहीं प्लीज़ नहीं. द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. तो कंडक्टर हैरान था देख कर कितनी वो इनकी कितना अपने आप को रजिस्ट कर सकती है. और फिर दोनों जो हैं वो वहाँ पर बैठ कर वेट करते हैं जब बस की वापस जर्नी के बारे में. अगेन देयर वॉरंट मैनी पैसेंजर्स. तो बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे. फोर्थ पार्ट. वंस यू योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. तो फिर जब वो कंडक्टर उसको टिकट दे रहा था तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ ही रही होगी. नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. तो वो कहती है नहीं कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. तो बस फिर से चलती है और फिर वही सुंदर सुंदर से दृश्य आते हैं. वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम. तो वल्ली वो दोबारा देखकर कोई बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, बल्कि उसी एक्साइटमेंट के साथ जो है वो सब कुछ देख रही थी जैसे पहले फर्स्ट टाइम देख रही थी. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. तो लेकिन अचानक वही यंग काउ फिर से उसको दिखती है, लेकिन वो अब रोड के साइड पर मरी पड़ी है. कोई व्हीकल जो है, फास्ट मूविंग व्हीकल जो है, वो उसको टक्कर मार कर चला गया था. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on that trip to town? She asked the conductor. तो वो कंडक्टर को पूछती है कि ये वही काउ नहीं है जो हमारे जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे तो वो हमारी बस के आगे आ गई थी. द कंडक्टर नोडेड. कंडक्टर सिर हिलाता है. एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस. और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है. वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेड एगल्ड अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज ब्लड ऑल ओवर. तो फूड कह रही है कि कितना प्यारा ये सुंदर क्रिएचर था अभी कुछ सी समय पहले, कितना इसमें चमक थी, लेकिन अब इसकी लाइफ की चमक सब कुछ ख़त्म हो गई है. कितना डरावना लग रहा है ये लेटी हुई यहाँ पर. इसकी जो लेग्स हैं वो कैसे फैली हुई हैं और एक तरफ को इसकी निर्जीव सी आँखें जिसमें कोई लाइफ नहीं है वो ऐसे ही एक तरफ को देखी जा रही हैं और चारों तरफ खून है. द बस मूव्ड ऑन. बस आगे बढ़ती है. द मेमरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म. तो बस आगे बढ़ती है और उस मरी हुई काओ की जो यादें हैं और ज़्यादा उसको डरा रही हैं, हॉन्ट कर रही हैं और बार बार उसके माइंड में आ रही हैं. और उसके जितने भी एंथुसियाज्म था, साइट्स देखने का उत्साह था, वो सारा ख़त्म हो जाता है.
शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो इस विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी. शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट. वो बैठी रहती है अपनी सीट पर चिपकी हुई. अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40 और बस जो है वो 3:40 पर उसके गांव पहुंचती है. शी स्टूड अप. वो खड़ी होती है एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ और अपनी अंगड़ाई लेती है. देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. तो फिर कंडक्टर की तरफ जाती है और कहती है ठीक है सर फिर हम मिलेंगे. ओके मैडम ही आंसर्ड हर स्माइलिंग वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस. तो फिर वो हंसते हुए कहता है ओके मैडम जब भी तुम्हारा बस में सवारी करने का दिल करे आना हमें मिलना. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर और कहते हैं अपना किराया लाना मत भूलना. शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस. हंसती है और फिर जंप करती है बस से. देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम और फिर भागती है दूर अपने घर की तरफ सीधा. वेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज एंड्स द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट. जब वो अपने घर में एंटर करती है तो उस देखती है कि उसकी मदर उठ चुकी है और वल्ली की एक चाची आंटी बोल लो कि उस जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है उसके साथ बातें कर रही है. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग. तो वो आंटी तो ऐसी थी चैटर बॉक्स मतलब कि बातों का डिब्बा थी मतलब बातूनी थी. कभी उसका मुंह जो था वो बंद होता ही नहीं था अगर वो एक बार बोलना स्टार्ट करे. एंड वेयर यू हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन. फिर वल्ली कहती है कि अच्छा जब आती है वो तो उसकी आंट पूछती है कहाँ थी तुम. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. तो उसने तो वैसे ही बोला था उसको पता था कि मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा. सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर आंट एंड आंट वेंट ऑन विद हर विद देयर कन्वर्सेशन. तो वल्ली फिर हंसती है स्माइल करती है और मदर उसकी आंटी के साथ फिर से बातें शुरू करती है. येस यू आर राइट हर मदर सेड. कहते हाँ तुम बिल्कुल सही हो उसकी आंटी को बोलती है उसकी मदर. सो मैनी थिंग्स इन आर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. कहते हमारे बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं और दुनिया के बाहर भी हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरी थिंग. तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं. एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी. और कहते जब हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है तो हम उसके वो समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से. क्या हम समझ पाते हैं. ओ यस ब्रिथिड वल्ली. तो वल्ली भी बीच में कहती है हाँ ऐसा ही है. वट आस्ट हर मदर व्हाट्स दैट यू से. तो उसकी मदर कहती क्या तुमने क्या कहा. ओह सेड वल्ली. तो कहती ओह आई वॉज जस्ट एग्रींग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज. तो कहती मैं तो बस माँ तुम्हारी उस बात से हाँ में हाँ मिला रही थी कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे सामने होती हैं और हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी. तो कहते देखो इस लड़की को ये कैसे हमारी बातें पॉक्स मतलब हमारी बातों के बीच में जो है वो कैसे इनकी इंटरेस्ट ले रही है जबकि उसको कुछ पता ही नहीं है कि इसके बारे में क्या बातें हैं और वो ऐसे बातें कर रही है जैसे बहुत ही समझदार लेडी हो चुकी है. वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ. वो अपने आप में हंसती है. शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल को कोई समझे. बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर. तो वैसे भी उसकी बातों उसकी स्माइल को समझना मुश्किल था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो ऐसे घूम कर आई है. तो क्या ऐसा कोई चांस था कि उसको कोई समझ पाता उसकी स्माइल क्या है इसके पीछे. और इस तरह से वल्ली की डिज़ायर पूरी हो जाती है. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर. नाउ अगले चैप्टर में हम मिलेंगे. फिर अगली पोएम है एक चैप्टर है इसका. अच्छे चैप्टर्स हैं दोनों. अच्छे से पढ़ाई करो अच्छे से बचे रहो. ठीक है. अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखो. सो पढ़ना है आपके टर्मिनल टेस्ट आ रहे हैं. ओके टिल देन स्टे सेफ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.